हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी अशद बलोच एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। खैर, ये व्लॉग नहीं होगा, इट्स अ वीडियो, क्यू एंड ए वीडियो। तो कल मैंने स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे क्यू एंड ए वाली, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन हमने निकाल लिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैन या बड़े भाई? या ये तो दोनों मेरे भाई हैं, बट वो थोड़ा है ना, दोनों सही हैं, बस दोनों मेरे भाई हैं और दोनों मेरे लिए, तो एक का नाम लेके मुझे पिटना नहीं है किसी से, इसलिए दोनों सही हैं, दोनों मेरे भाई हैं। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज योर फेवरेट पर्सन नेम। यार फेवरेट पर्सन ही, मेरी फेवरेट फैमिली है, जो मेरे अम्मी अबू भाई हैं, बस ये मेरी फेवरेट फैमिली है। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, आप चैलेंजेस वीडियोज क्यों नहीं बनाते हैं? यार मैं चैलेंज वीडियोज इसलिए नहीं बनाते क्योंकि अगर मैं व्लॉग बना रहा होता हूँ ना, तो चैलेंज करने वाले मेरे साथ होता नहीं है कोई। एक है शहरी, आपने उसको देखा हुआ है मेरे व्लॉग्स में, तो उसके साथ बनाता हूँ इंशाल्लाह। इस क्यू एन ए के बाद एक चैलेंज वीडियो आने वाली है, उसके लिए रेडी रहिएगा। एंड इंशाल्लाह वीक में एक या दो अब से चैलेंज आएंगे। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, हु मेक्स योर वीडियोज? यार मेरा छोटा भाई है, कज़न है, जिसको मैं कैमरामैन कहता रहता हूँ। पीछे व्लॉग में भी दिखाया था एक दो मैंने, अजान नाम है उसका। कभी कभी जैन भी बना लेता है, कभी वो बना लेता है, तो बस ऐसे बन जाती हैं। और यार मीटअप कब रखेंगे? मीटअप का फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है, इंशाल्लाह अभी थोड़ी आगे जाना है, फिर मीटअप का सोचेंगे, लेकिन रखेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। समथिंग फॉर अशदियंस, आई लव यू। एंड सेकेंड है, वॉट इज़ योर एज? यार आई एम 16 ईयर ओल्ड। हेटर्स के बारे में दो लाइंस। दूसरा, हेटर्स के बारे में दो लाइन। यार हेटर इस काबिल ही नहीं है कि मैं उनके बारे में दो लाइन भी बोलूं। क्या? और हमारे पास यार पता नहीं कितने क्वेश्चंस हो गए, मैं काउंट भी नहीं कर रहा, सिर्फ बोले जा रहा हूँ। क्या जितने भी हो गए, जितने मैंने निकाले सब करेंगे। और हमारे पास, मैं कराची से हूँ, आप भी लेट नाइट, आप कभी लेट नाइट घर आए और आपके अम्मी अबू का रिएक्शन क्या होगा? नाइस क्वेश्चन ब्रो। यार मैं इवन तो मैं जाता नहीं हूँ लेट नाइट, अगर जा भी रहा हूँ तो इजाज़त ले ली तो फिर मैं चला गया, ऐसे होता है, बाकी बिना परमिशन मैं नहीं जाता। और हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव अ गर्लफ्रेंड? मैं शादीशुदा हूँ, गर्लफ्रेंड तो पीछे की बात है, गर्लफ्रेंड बच्चों की होती है, मैं शादीशुदा हूँ। यार कहाँ गर्लफ्रेंड, अभी मैं 9th में हूँ, कहाँ गर्लफ्रेंड बना रहा हूँ मेरी। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी किसी से फड्डा या झगड़ा हुआ? आए दिन होते हैं ब्रो, आए दिन कभी किसी से हो रहा है, कभी स्कूल में, कभी बाहर। लड़कों के लिए लड़ाई करना ना आम सी बात है, तो बस। नेक्स्ट है हमारे पास, तुम बहुत साफ दिल के हो यार। लव यू ब्रो, लव यू, थैंक यू सो मच। यार कोई तारीफ करता ना बंदे को इतनी खुशी होती है, तो खैर थैंक यू सो मच। आपका एक्सपीरियंस कैसा है व्लॉग्स को लेकर? यार अभी तक तो बेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह, एंड नेक्स्ट मतलब आगे जो होगा तो वो भी अच्छा ही होगा, होप सो। अभी तक तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। समथिंग अबाउट योर टिकटॉक जर्नी। टिकटॉक जर्नी, यार मैं टिकटॉक जर्नी तो मेरी बस ये, मैंने इंट्रोडक्शन वाले व्लॉग में बताया था ना इंट्रो के मेरी जर्नी क्या थी, तो उसमें क्लियर कर दिया था, अभी भी बता देता हूँ। मैंने स्टार्ट लिया था अपना 8th क्लास में, 8th के फाइनल पेपर्स में मैंने स्टार्ट लिया था, देन वहाँ से कंटिन्यू करके अभी तक मेरा चल रहा है। मेरे दो अकाउंट्स हैं, ये दूसरा है जिस पे अभी 1 मिलियन हुए हैं। लास्ट अकाउंट में मेरे 5 मिलियन थे, वो मेरा अकाउंट बैन हो गया। खैर अभी भी 1 मिलियन कर लिए, बस यही है मेरी जर्नी, छोटी सी जर्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब इनकम बताते हैं सर जी। यार यूट्यूब इनकम मेरी महीने की 2 सेविक आ जाती हैं, और बाकी आ जाते हैं 2 कनाल का बंगला आ जाता है, अच्छा खासा है, कमा लेता हूँ बस यूट्यूब से। अल्लाह का खौफ करो भाई, अभी तो आया हूँ यूट्यूब पे, अभी से इनकम मेरी आएगी। यार ऐसा नहीं करो, दिल चलता है। वेयर वुड यू वांट टू गो इन दिस सीजन? यार आई वॉन्ट टू गो नॉर्दर्न एरियाज,
बहुत दिल है मेरा बहुत, वहाँ स्नोफॉल देखनी थी, वहाँ जाके मुझे व्लॉग्स करने थे, अनफॉर्चुनेटली मैं गया ही नहीं, लग नहीं था। खैर नेक्स्ट टाइम या फिर इसी ईयर के एंड में जाएंगे सोचा है मैंने इंशाल्लाह, तो ये सरप्राइज होगा। कहाँ जाना है यार, ऐसे पूछ रही है जैसे मेरा कोई एक्सपीरियंस हो। इन्होंने पूछा है अरेंज मैरिज और लव मैरिज। यार अगर आपको कोई मुंह लगा रहा है तो लव मैरिज, ठीक है, कोई नहीं लगा रहा तो अरेंज मैरिज, ये है सिंपल आंसर इसका। नेक्स्ट है हमारे पास, कराची की फैम से मीटअप, कराची की फैम से कब मीटअप करोगे और कहाँ? यार फिलहाल ये डिसाइड नहीं है, कराची अगर रहने आता हूँ तो करूँगा मॉल में, लकी वन में करेंगे या फिर कहीं ना कहीं रखेंगे, बहुत हैवी मीटअप होगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम बाद इंशाल्लाह, बी रेडी। तो गाइस हमारे पास क्वेश्चन हो गए एंड, बल्कि ये लास्ट रहता है, इसको भी हमने सोचा कर लेते हैं। हाउ मेनी सिबलिंग्स यू आर? यार आई हैव टू ब्रदर्स, एक बड़े भाई हैं और तीसरा जैन है, एक मैं हूँ, तो मुझे मिला के हम तीन भाई हैं बस। आप सिंधी हो या बलोच? तो यार मैं समझ सकता हूँ आपने ये क्वेश्चन क्यों किया है मुझसे, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे डीएम्स में भी और ब्लॉग के नीचे कमेंट्स में भी पूछ रहे होते हैं कि आप सिंधी हो या बलोच हो, तो आज मैं लोगों की कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। यार बलोच में भी एक कैटेगरीज होती हैं, दो तीन कैटेगरीज होती हैं, लाइक एक होते हैं सिंधी बलोच, एक होते हैं सराइकी बलोच, तो मैं हूँ सिंधी बलोच, हमें मुझे सिंधी भी आती है, और ऐसी बात नहीं है भाई को सराइकी भी आती है, मदर टंग मेरी सराइकी है। तो बस हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए, मैंने किया, अब मैं हल्का हो चुका हूँ पहले से, आप सबको जवाब वगैरह दिए। खैर उम्मीद करता हूँ सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।